कहाँ है मेरा बच्चा, क्या हुआ है, कैसा है? कुछ नहीं होगा सलमान को, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा कहाँ है सलमान? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए भाईजान, कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा सलमान को, आप बस दुआ करें। शायस्ता तुम खुद को मजबूत रखो, अल्लाह करम करेगा, ठीक हो जाएगा सब। रखो बेटा, खुद को मजबूत रखना वरना इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आइए, आओ आओ बेटा, इधर आ जाओ, आइए आइए। कैसी तबीयत है सलमान? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ब्लड अरेंज करना होगा, ओ पॉजिटिव। आप मेरा ब्लड ले ले। आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? मैं माँ हूँ सलमान की, मेरा ब्लड लगेगा मेरे बेटे को। नर्स हाँ। बसाई आप? सलाम छोटी बीबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? मुझे अभी आई हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, मेरा दिल तो बस अस्पताल की तरफ ही लगा हुआ था। बहुत अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे जी मेरे दिमाग में, बस मैं फौरन चली आई। बहुत नसीब वाले हैं सलमान कि उन्हें शाइस्ता आंटी, मेरीन आंटी, सब लोग बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने तो जी गोदों में खिलाया हुआ है छोटे साहब को। लेकिन बसाई एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये मेहरीन आंटी और शाइस्ता आंटी के बीच सलमान को लेके मोहब्बत की एक रेस क्यों लगी रहती है, क्या वजह है इसकी? वो जी दरअसल बात ये है कि छोटे साहब इकलौते बच्चे जो ठहरे इस घर के, बड़ी बीबी साहिबा तो उनसे प्यार करती हैं, बेगम साहिबा भी बहुत प्यार करती हैं जी। शायद इसलिए कि उनकी कोई औलाद नहीं है। जी बिल्कुल ठीक समझी जी आप। अब देखें ना,
मैं भी तो कितना प्यार करती हूँ छोटे साहब को, मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है जी। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकती कि छोटे साहब मेरी औलाद की तरह है। वो मैं नौकरानी जो हूँ जी। फसाई, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? घर में सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जीती रहे छोटी बीबी साहिबा। आप आए, मैं आपको लेकर चलती हूँ सबके पास। जी क्या जरूरत है तुम्हें ये बात करने की? अगर तुम्हारे मुंह से निकल जाता कि मैं ही उसकी माँ हूं तो एक मसला खड़ा हो जाता। हद करती हूँ तुम्हें, एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा मसला खड़ा करने की तैयारी में लग जाती हूँ। सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, चुप रहूंगी मैं। देने दो उसको पलट। अगर उसका ग्रुप मैच नहीं हुआ तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। एक बात बता दूं इद्रीस, मेरे चुप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारा खून है और खून तो जरूर बोलेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ब्लड बैंक कॉल कर दिए, ब्लड अरेंज हो गया है। तुम में से किसी को ब्लड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आता हूं। सलमान की तबीयत? हाँ, सलमान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, उसे मेरा ब्लड लगेगा ना तो वो ठीक होकर रात तक घर आ जाएगा। महरीन, असल में इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है ना, तो ब्लड ना दे। वो मेरा बेटा है, उसे मेरा ही ब्लड लगेगा, मैंने कह दिया ना बस। महरीन, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सलमान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे। देखो, जिद नहीं करते ना, ये तो खुद गर्जी हुई ना। मैं जानता हूँ तुम सलमान से बहुत मोहब्बत करती हो, मगर ब्लड अरेंज हो गया है, डॉक्टर ने कहा है ना। हाँ, बैठो।